प्रदेश की मथुरा जिले के गोवर्धन इलाके में शनिवार को दो साधुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों साधु गोवर्धन मार्ग पर मौजूदा गिरिराज बागीचे के बने आश्रम में रहते थे। आश्रम में रामायण का पाठ कर रहे दोनों साधुओं ने अपने एक और साथी के साथ सुबह की चाय पी थी, जिसके बाद तीनों की मुंह से झाग निकलता हुआ देखा गया। बताया जा रहा है कि आश्रम में ही मौजूद गाय के दूध से चाय बनाकर इन लोगों ने पी थी, जिसके बाद ये घटना हुई। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब तक दो साधुओं की मौत हो गई। जब से इनमें से एक राम बाबू नाम के साधु को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है। मृत साधुओं का नाम गोपाल दास और श्याम सुंदर दास बताया गया है। पूरा घटनाक्रम शनिवार की सुबह हुआ। रामायण का पाठ कर रहे तीनों साधुओं एक आश्रम में रह रहे थे, क्योंकि सुबह की चाय पीने के बाद ये तीनों की तबीयत बिगड़ी थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चाय में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। मृतक साधु गोपाल दास के भाई टीकम ने भी आरोप लगाया कि साधुओं को जहर देकर हत्या की गई और आश्रम में जहरीली दवाओं की बदबू आ रही है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे आश्रम में चाय पीने के बाद तीनों साधुओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां गोपाल दास और श्याम सुंदर दास को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं राम बाबू दास की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और स्थानीय लोगों का कहना है कि साधुओं को साजिशन जहर दिया गया है और उनकी हत्या की गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। SSP ने कहा कि इस मामले में वीडियोग्राफी कराकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस टीम ने आश्रम में मिले खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, चाय में मिलाए गए दूध तथा अन्य सामान के भी नमूने लिए। SSP ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की हत्या के बाद औरंगाबाद के एक और संत पर हमले की घटना सामने आ गई थी। बताया गया था कि संत प्रियशरण महाराज पर जिले के चौक परिसर लाडामनी मार्ग पर स्थित उनके आश्रम में घुसकर हमला कर दिया गया। हमलावर 7 से 8 की तादाद में थे। उन्होंने आश्रम में घुसने के लिए पहले उसकी कड़ी तोड़ी, फिर संत से मारपीट करके उसके कंधे पर चाकू से वार भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।